स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, तो उस लेक्चर में हमने रिलेशन देखा था ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान, जब हमने आइडियल केस लिया था। जैसे कि मैं आपको ऊपर शो करती हूँ कि हमारा पिछला लेक्चर था जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक आइडियल सिचुएशन में जो हमारे पास बैटरी के अंदर काम हो रहा होता है वो इक्वल हमने लिया था एक्सटर्नल सर्किट के अंदर किए जाने वाले काम के, और उससे हमने देखा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है बैटरी के अंदर वो इक्वल आती है पोटेंशियल के जो कि हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट में मौजूद होता है। तो उससे हमने देखा था कि हमारे पास जो बैटरी है उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास जो बैटरी है उसका उसके अंदर जो काम किया जा रहा होता है वो इक्वल नहीं होता एक्सटर्नल वर्क के टोटली। जैसे कि हमने देखा कि एक्सटर्नल वर्क के वो टोटली इक्वल हो रहा था, बल्कि जो हमारे पास बैटरी होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मौजूद होती है जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से अगर मैं वो सर्किट ड्रॉ करूँ और इसके अंदर मैं आपको शो करूंगी कि जो हमारे पास बैटरी है उसके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होती है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो हम करंट लेते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है। तो यहाँ पे बल्ब की जगह मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे शो कर रही हूँ, या चलें यहाँ पे बल्ब ही दोबारा ड्रॉ कर देते हैं, और बल्ब के अक्रॉस हम शो करते हैं कि बल्ब के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस मौजूद है, ठीक है। और इसे आगे फर्दर हम ज्वाइन कर रहे हैं बैटरी से, ठीक है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास करंट फ्लो करता है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, तो सर्किट में हमारे पास एक पोटेंशियल मौजूद होता है, यानी कि एक काम किया जा रहा होता है इन पॉजिटिव चार्जेस पे, जबकि वो पॉजिटिव टर्मिनल से फॉर एग्जांपल नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हों। लेकिन हमने देखा था कि जब ये पॉजिटिव चार्जेस बैटरी के अंदर जाते हैं तो एक काम करना पड़ता है ज़्यादा उनके ऊपर, क्योंकि उन्हें पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना होता है, और हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने के लिए, क्योंकि सेम चार्जेस हैं, ठीक है। सेम साइन हम देखते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और जो हमारे पास चार्जेस हैं वो भी पॉजिटिव हैं, तो इसलिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो वो एक रेजिस्टेंस भी फेस करेंगे अपने ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो सेम साइन होने की वजह से उन्हें एक रिपल्जन फील होगी अपने ऊपर, एक रुकावट फील होगी। तो ये जो पूरा सिस्टम हमारे पास यहाँ पे हमने बनाया है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं बैटरी के, और साथ ही एक छोटी सी रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है जो कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है करंट सोर्स के। तो ये पूरा सेटअप जो होता है ये हमारे पास करंट सोर्स कहलाता है, और इसकी जो ईएमएफ है, ठीक है, वो फोर्स जो हेल्प आउट करती है चार्जेस को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने के लिए, उसे मैं यहाँ पे ई से डिनोट करती हूँ। तो ये फर्क हमारे पास आइडियल केस के मुकाबले में रियल केस में आ जाता है कि आइडियल केस में तो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं डिस्कस की थी, लेकिन जो एक्चुअली होता है उसमें हमारे पास जो बैटरी है जो करंट सोर्स है उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद होती है, यानी कि अब हमारे पास जो इंटरनली वर्क डन हो रहा है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास आई स्क्वेयर आर टी के, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी के इक्वल हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो बैटरी का वर्क है वो इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल वर्क के, ठीक है, प्लस इंटरनल वर्क के, क्योंकि देखें जो हमारे पास W नॉट जो बैटरी के अंदर पहले काम हो रहा था वो हमारे पास था E आई टी, वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर कैपिटल आर टी प्लस आई स्क्वेयर स्मॉल आर टी, यानी कि बैटरी को एक तो काम करना पड़ रहा है चार्जेस को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ले जाने के लिए, और दूसरा उसको काम करना पड़ रहा है इस इंटरनल रेजिस्टेंस के मुकाबले में। तो ये हमारे पास आई दोनों साइड से कट जाएगा और हमारे पास जो टाइम टी है वो भी कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ई इक्वल्स टू आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। इस इक्वेशन को हम कह देते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास पोटेंशियल इक्वल होता है करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ई इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस तो जीरो
नहीं है यहाँ पे एक्चुअल केस में, ठीक है। दैट मीन्स कि जो हमारे पास ईएमएफ है बैटरी का, वो ग्रेटर है वी से आईआर की वैल्यू के मुताबिक, ठीक है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो बैटरी है उसे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उसने एक रेजिस्टेंस आर को भी कवर करना है और उसने पॉजिटिव चार्जेस को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भी ले जाना है, तो वो ज़्यादा काम होगा एज़ कम्पेयर टू इस सर्किट के जिसमें से के पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो हमारे पास ये आता है कि जो हमारे पास करंट है आई, वो अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा ई इक्वल्स टू आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। और आई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ई एम एफ ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस आर, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर है, ये हमारे पास आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी जो कि इस पूरे सर्किट में फेस करनी पड़ रही है चार्जेस को। तो दैट मीन्स कि जो हमारे पास आई है ये वो करंट होगा जो पूरे सर्किट में मौजूद है इस बैटरी की वजह से, जिसका जो ईएमएफ है वो ई है। तो आई होप स्टूडेंट्स को आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेशन क्या होता है, और जो हमारे पास करंट सोर्स होते हैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है।